हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपका एक और नए व्लॉग के अंदर। सर्दी का मौसम है और ठंडक फैली है चारों ओर। इस सुहाने मौसम के अंदर आ गया हूं मैं राजस्थान में, उस ओर जहां पे है रणथंभौर का प्रसिद्ध दुर्ग, जिसका नाम जुड़ा है हटी हम्मीर, प्रतापी राजा जो हम्मीर थे उनसे। और यहां पर है इतिहास से जुड़े हुए बहुत सारे महत्वपूर्ण स्थान और उनको दिखाना है मेरा काम। तो अभी शुरू करते हैं हम रणथंभौर दर्शन अभियान। और रणथंभौर दर्शन अभियान पे फिर से मेरे साथ एक बार हैं प्रदीप भैया। हेलो, हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? अलवर के बाद में अब हम देखेंगे यहाँ रणथंभौर का किला। रेडी हैं? रेडी। ये है पार्किंग एरिया और इसके ठीक सामने है यहाँ जोगी महल का एंट्रेंस गेट। रणथंभौर नेशनल पार्क में जाने की एक एंट्री है और इसके ठीक पास में ही स्थित है पहाड़ी के ऊपर रणथंभौर का यह प्रसिद्ध दुर्ग। बाकी फोर्ट्स जब आप देखने के लिए जाते हैं तब आपको उसके लिए एंट्री के चार्जेस देने पड़ते हैं, लेकिन इस किले की खास बात यह है कि यहाँ पे कोई एंट्री चार्जेस नहीं है, क्योंकि इस किले के अंदर है एक प्रसिद्ध मंदिर, गणेश जी का मंदिर, जो कहलाते हैं त्रिनेत्र गणेश जी। हम सबसे पहले जिस जगह पहुंच गए हैं, यह इस किले के 7 दरवाजों में से 7 द्वारों में से पहला द्वार है जो कहलाता है नवलखा द्वार, नवलखा पोल इसे कहा जाता है। और यह इस किले का सेफ्टी गेट भी है। क्यों है उसका कारण भी आपको बताता हूँ। ये जो दीवार है इस किले की सेफ्टी दीवार है, और इसको बनाने का उद्देश्य ये है कि आप जब सामने से देखते हैं तो आपको द्वार जो है यह नवलखा द्वार दिखाई नहीं देता है, तो दुश्मन को एंट्रेंस का पता नहीं चले। और दूसरा रीजन है इस दीवार को बनाने का कि द्वार को तोड़ने के लिए पहले हाथी का प्रयोग किया जाता था, उसे पिलाई जाती थी मदिरा यानी कि शराब, और उस शराब के नशे के अंदर हाथी उस गेट के ऊपर अटैक करता था। लेकिन हाथी को भागने के लिए सीधा स्थान चाहिए होता है, तो इस दीवार की वजह से हाथी एकदम सीधा भाग के इस गेट पर टक्कर नहीं डाल सकता था। ये जो आप देख रहे हैं किले की दीवार के ऊपर, यह है यहाँ के चौहान शासकों का चिन्ह है। ये नवलखा पोल है और यहाँ बैठे हैं प्रदीप भैया, मेरा वेट कर रहे हैं। चलिए भैया, और ये देखिए आप दरवाजे के ऊपर, आप ये जो नुकीले देख रहे हैं भाग, ये हाथी के अटैक को फेल करने के लिए लगाए जाते थे, क्योंकि हाथी जो था शराब के नशे के अंदर इन पे टक्कर मारता था। इस तरफ हम आ गए हैं अब, और यहाँ है सीढ़ियाँ। चार दर्रे 84 घाटी, लड़ने वाले की निकल जाए आंटी। इस किले को कोई जीत नहीं पाया था ऐसा बताया जाता है। अजय दुर्ग कहा जाता है रणथंभौर का यह बख्तरबंद दुर्ग। चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जब आप इसको दूर से देखने का प्रयास करेंगे तो यह आपको दिखाई नहीं देगा, इसी वजह से इसे बख्तरबंद दुर्ग भी कहा जाता है। इसी वजह से इस स्थान को चुना गया था दुर्ग बनाने के लिए। यहाँ विराजित है रणथंभौर किले के पंचदेव, हनुमान जी है, गणेश जी है, भवानी माँ है, शिवजी है और भैरव जी हैं। और इन 5 देवों की स्थापना की गई थी इस किले के निर्माण से पूर्व। कोई भी काम जो निर्विघ्न संपन्न हो और सुरक्षा की दृष्टि से हमेशा सहायता करें, उसके लिए यहाँ देवों की स्थापना की गई थी। ये देखिए अब हमें जाना होगा इस तरफ, ऐसे घूमते घूमते हम जाएंगे और पहुंच जाएंगे वहां टॉप पर। रणथंभौर का यह गौरवशाली किला बना है लगभग 444 वर्षों के अंदर। 5वीं शताब्दी के अंदर इसका निर्माण शुरू हुआ था, महाराजा जैन ने निर्माण शुरू करवाया था, और 944 ईस्वी के अंदर जब यह किला पूर्ण रूपेण बना था तब यहां पर शासन था यादवों के वंश का। और उसके बाद में 11वीं शताब्दी के अंदर जो पृथ्वीराज चौहान के 3रे नंबर के बेटे थे गोविंद सिंह जी चौहान, उन्होंने यहाँ पर इस किले के अंदर चौहान वंश की स्थापना की थी, रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना, जिसने यहाँ पर राज किया था लगभग 600 साल तक। अब आ गया है सामने किले का दूसरा द्वार, और यह द्वार कहलाता है हाथी पोल गेट। पीछे जो चट्टान दिखाई दे रही है उसे जब हम ध्यान से देखते हैं तो हमें दिखाई देती है भगवान गणेश की छवि, और जब हम पीछे की तरफ से देखते हैं तो हमें दिखाई देता है हाथी, जी हाँ, बैठा हुआ हाथी। ध्यान से आप देखेंगे तो ऐसे लगेगा भगवान गणेश ही यहाँ पे विराजित हैं, उनकी सूंड वाला हिस्सा दिख रहा है ऊपर आप देखेंगे तो। और सबसे खास बात यह है कि इसे किसी ने बनाया नहीं है, यह प्राकृतिक रूप से ही है ऐसी। और अब दूसरी तरफ से देखते हैं हम बैठा हुआ हाथी, यहाँ से आप देखेंगे तो ये बैठे हुए हाथी जैसी शेप दिखाई देती है। और हाथी पोल द्वार के जस्ट पहले यहाँ राइट साइड में आप देख सकते हैं ये पत्थर का बना हुआ एक सिर है,
ये जो यहाँ का एक कमांडर हुआ करता था रणमल, यह उसकी टूटी हुई प्रतिमा है। इसने की थी राजा हमीर से गद्दारी, जिसकी वजह से इस किले के अंदर हुआ था हमारे भारतवर्ष का पहला अग्नि जौहर। राजा हमीर की हुई थी विजय, लेकिन इसने अलाउद्दीन खिलजी के साथ मिलकर की गद्दारी। और जब सेना वापस लौट रही थी तो इसने शत्रु सेना के झंडे दिखा दिए थे, जिसकी वजह से यहाँ किले के अंदर जो रानी और जो बाकी के लोग मौजूद थे उन्हें लगा कि युद्ध में उनकी हार हो गई है। और रानी रंगा देवी ने 13,000 वीरांगनाओं के साथ में कर लिया था पहला अग्नि जौहर इस किले के अंदर। हाथी जैसी आकृति की चट्टान है, इस वजह से यह कहलाता है हाथी पोल गेट। चलिए चलते हैं अंदर। आज भी टिका है यह कितनी शताब्दियों से। यूं तो इस किले पर अनेक प्रतापी राजाओं ने शासन किया है, लेकिन उनमें सबसे प्रसिद्ध है राजा हमीर, जिन्हें हटी हमीर भी कहा जाता है। उनकी हमीर हट जो है वह विश्व प्रसिद्ध है। तो हमीर जी को जब 1282 के अंदर जब राजगद्दी पर बैठाया गया था, तब उन्होंने किए थे दो प्रण। पहला प्रण तो यह था कि मैं शरणागत की रक्षा करूंगा, और दूसरा था जो भी गरीब लोग हैं मैं उनकी मदद करूंगा, उनका ध्यान रखूंगा। तो सबसे बड़ा शिव भक्त बताया जाता है राक्षस राज रावण को, और दूसरे नंबर पर माना जाता है राजा हमीर को, हमीर हट वाले राजा हमीर को। ये जो आप देख रहे हैं यह रणथंभौर किले का एक वॉच टावर है, छतरी नुमा यह है, और इससे संदेश भेजे जाते थे सैनिकों के द्वारा। वहां सामने दूसरा जो वॉच टावर स्थित है उस पहाड़ी के ऊपर, ये देखिए आप, दिखाई दे रहा है, तो यहां तक संदेश पहुंचाए जाते थे इस वॉच टावर से उस वॉच टावर तक। दिन के समय झंडे जो होते हैं उनके द्वारा संकेतों को बताया जाता था, और रात्रि के समय जो मशाल होती है उसका यूज करके अलग अलग संदेशों को दूर तक पहुंचाया जाता था। तो सुरक्षा व्यवस्था का यह अहम हिस्सा हुआ करता था इस रणथंभौर दुर्ग में। पानी की झील जो आप देख रहे हैं यह रणथंभौर नेशनल पार्क में ही स्थित है। इस वॉच टावर से हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं द्वार दिखाई देता है, यह कहलाता है गणेश पोल, क्योंकि यहाँ पे विराजित है राइट हैंड साइड में भगवान गणेश, इस वजह से यह कहलाता है गणेश पोल। ये देखिए, ये है गणेश पोल दरवाजा, और इससे भी जुड़ी हुई है एक ऐतिहासिक घटना, अभी आपको बताता हूँ। इस गणेश जी की प्रतिमा के पास में ही आप जब इस तरफ देखते हैं तो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे ये विशेष निशान, जो है राजा हमीर के घोड़े के पैरों के निशान। इतिहास के अंदर दो घोड़े प्रसिद्ध हैं जिनमें सबसे ज्यादातर लोग जानते हैं, वो नाम है चेतक का, लेकिन चेतक से भी पहले जो एक महान घोड़ा हुआ था उसका नाम था बादल, और उसी के पैरों के निशान है इस पहाड़ी के ऊपर, जिसके ऊपर बैठ के राजा हमीर ने लगाई थी यहाँ से छलांग और पहुंच गए थे इस दीवार को पार करके दुर्ग के अंदर। जैसा कि मैंने आपको हाथीपोल पर बताया था कि जो एक गद्दार था रणमल महावत, उसका सिर राजा हमीर ने वहां काट दिया था। जैसे ही बाकी के जो दो गद्दार थे उनको इस खबर का पता चलता है, तो वो दोनों आके यहाँ पे द्वार को बंद कर लेते हैं, क्रांति देव और सामंत भोजराज। तो वो दोनों आके इस गणेश पोल के द्वार को बंद कर लेते हैं ताकि राजा हमीर उन तक नहीं पहुंच सके। राजा हमीर का उद्देश्य था रानियों को जौहर से बचाना, तो रानियों को जौहर से बचाने के लिए उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, और कहा जाता है कि भगवान शिव के आशीर्वाद से बादल के अंदर इतनी ताकत आ गई कि उसने यहाँ इस चट्टान के ऊपर पैर पटके और जोर से छलांग लगाई, और जो ऊपर किले की दीवार है उसको पार करके वो राजा हमीर को ले जाता है रणथंभौर दुर्ग के अंदर। लेकिन राजा हमीर हो जाते हैं लेट, रानी जो है वो अग्नि जौहर कर लेती है। गणेश पोल से हम जाते हैं आगे। सीढ़ियां काफी है, लेकिन अगर आप धीरे धीरे चलेंगे तो आपको थकान नहीं होगी। तो गणेश पोल से जैसे ही हम आगे आते हैं तो यहां दिखाई देता है यह द्वार, जो कहलाता है अंधेरी पोल। ऊपर यहां जो आप देख रहे हैं यह झरोखा, यहां से रानियां करती थी राजा जी का वेलकम जब वो युद्ध जीत के आते थे। न सिर्फ रानियां यहां से राजा जी का विजयी होने पर स्वागत किया करती थी पुष्प वर्षा करके, बल्कि जो खास मेहमान आया करते थे उनका स्वागत भी यहीं पर होता था। तो यह होता था रणथंभौर किले का वेलकम गेट, स्वागत द्वार, इसीलिए इसे उस जमाने में कहा जाता था तोरण द्वार, बाद में यह कहलाया था अंधेरी गेट और कंफ्यूजन गेट। हमारी हेरिटेज को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। आमतौर पर जो गेट हुआ करते हैं वो डबल हुआ करते हैं, लेकिन यहाँ पर लगा हुआ होता था एक सिंगल दरवाजा, इसीलिए इसको कंफ्यूजन गेट कहा जाता है, क्योंकि जैसे ही दुश्मन अगर यहाँ तक पहुंच जाता और उस द्वार को खोलता
तो यहाँ जो द्वार होता वह द्वार खुलकर इस तरफ ऐसे आ जाता, और आगे जाने का जो मेन द्वार है वो इस तरफ ही है। ये देखिए, यह होता था मेन रास्ता, जो यहां जो गेट बंद होता था उससे यह रास्ता हो जाता था बंद, और दुश्मन को दिखता था उस समय सामने एक और छद्म द्वार। जी हाँ, नकली रास्ता जो होता है वो दुश्मन को दिखाया जाता था, और वो होता था यहां बिल्कुल सामने। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, दुश्मन सीधा आता यहां पर और इस गेट से बढ़ जाता आगे खाइयों की तरफ, जहां पर लकड़ियों से पत्तों से ढककर खाई का रास्ता जो है छिपा दिया जाता, और दुश्मन की सेना वहां जाती तो खाई में गिर जाती, और यहां पर पीछे से भी उन पर अटैक किया जा सकता था। तो दुश्मन सेना गिर जाए, उसको कंफ्यूज कर दिया जाए, इसलिए अंधेरी द्वार को ऐसे बनाया गया था, और इसीलिए यह कहलाता है कंफ्यूजन गेट। और आगे वाला जो रास्ता है उसमें रहता था थोड़ा सा अंधेरा, तो रोशनी ज्यादा न होने की वजह से वह कहलाता था अंधेरी गेट। आइए देख रहे हैं आप, है ना, यहां पे अंधेरा, इस वजह से यह कहलाता था अंधेरी गेट। अब सीढ़ियां हुई समाप्त और थोड़ा समतल भाग आ गया है जिसपे चलने का मजा ले रहे हैं हम। अन्य किलों की भांति आप रणथंभौर दुर्ग में भी देख सकते हैं, ये जो छेद बनाए गए हैं यह शत्रु पर नजर रखने और आक्रमण करने के लिए ही बनाए गए थे। इन छेदों से शत्रु सेना के ऊपर गर्म तेल या तीर चलाए जाते थे, आक्रमण किया जाता था। रणथंभौर किले की खास बात एक यह है कि यह राजस्थान के उन 6 चुनिंदा किलों में शामिल है जिसको 2013 के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट के अंदर शामिल कर लिया गया था। यहाँ आप देख सकते हैं रणथंभौर किले को मैप के रूप में दर्शाया गया है। ये जो इसकी चारों तरफ आप बाउंड्री वॉल देख रहे हैं, ये जो लाइन है ये 7.5 किलोमीटर की है, और फिलहाल हम हैं इस जगह, और ये देखिए ये नवलखा गेट है, यहां से एंटर होके हम यहां पहुंचे हैं। इस तरफ जैसे ही आगे जाते हैं तो यहां आता है दिल्ली गेट, दिल्ली की तरफ इसका मुख है इसलिए यह दिल्ली गेट कहलाता है। बाद में जैसे ही आते हैं इस तरफ है सतपोल गेट, जहां से आप देख सकते हैं सनसेट का नज़ारा प्यारा प्यारा, और जब इस तरफ आप आते हैं तो यहां पे आपको दिखाई देता है सूरजपोल गेट, क्योंकि सनराइज यहां से होता देख सकते हैं इसलिए यह सूरज गेट कहलाता है। और ये हैं किले के महत्वपूर्ण स्थान, और इस जगह स्थित है त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, इस तरफ है ये सीताराम जी का मंदिर। ऐसे 25 मंदिर हैं इस किले के अंदर छोटे बड़े। प्राचीन समय में यह हुआ करता था सीताराम जी का मंदिर, लेकिन इतने आक्रमण झेले हैं इस किले ने, और उसके बाद में मुगलों का दौर भी देखा है यहाँ पर, जो मुस्लिम सुल्तानों का भी दौर देखा है, तो जो यहाँ पे विग्रह थे वो खंडित हो गए थे, तो पूजा नहीं होती थी। तो फिलहाल यहाँ मंदिर के अंदर स्थापित है भगवान शिव का शिवलिंग, और नंदी भगत विराजमान है। चलिए चलते हैं आगे, वहां है अंधेरी द्वार। अंधेरी द्वार से हम जैसे ही आए यहाँ पे है सीताराम जी का मंदिर, और इस जगह हो जाते हैं यहाँ पे दो रास्ते, देख रहे हैं आप, यह रास्ता जाता है फोर्ट की तरफ, और ये वाला जो रास्ता है यह लेके जाता है प्रसिद्ध गणेश जी के मंदिर की तरफ। और यहाँ पर ये जो आप स्थान देख रहे हैं यह हुआ करता था उस प्राचीन समय के अंदर अस्पताल। जी हाँ, यहाँ पे जो भी घायल सैनिक होते थे उन्हें यहाँ लाया जाता था और किया जाता था उनका इलाज। और उसके बाद में आगे हम जाएंगे उस जगह, वह कहलाता है दूल्हा महल। दूल्हा बन के राजा आते थे यहाँ पर, इसलिए यह स्थान कहलाता था दूल्हा महल। आज हो चुका है खंडर, लेकिन उस समय था आलीशान। देख सकते हैं आप, टूटे हुए झरोखे हैं। चलिए देखते हैं इस टूटे फूटे दूल्हा महल को। उसके लिए हमें जाना होगा इस तरफ यूं घूम के। तो आ गए हैं हम दूल्हा महल के अंदर, और आज है यह खंडहर। छत गायब हो चुकी है यहाँ पर। ये वाला हिस्सा जो है भानगढ़ के किले की याद दिलाता है, क्योंकि यहां भी छत गायब है जैसा कि भानगढ़ के अंदर है। टूट चुके हैं ये छज्जे, और अंदर वाला हिस्सा भी आप देख सकते हैं, छत होती थी ऐसी, आप देख रहे हैं कितनी मोटाई है इसकी, लेकिन टाइम के साथ ये भी टूट चुकी है, गायब हो चुकी है। और सामने भी झरोके से दिखता है रणथंभौर नेशनल पार्क का नजारा, ये देखिए आप। चलिए चलते हैं बाहर। इतना रास्ता चढ़ के हम ऊपर आ गए हैं, सामने जोगी महल का जो एंट्री गेट है नेशनल पार्क का वो है, और पेड़ों के बीच में से झांकता हुआ
दिखाई दे रहा है जोगी महल, लाल रंग का अभी छुपा हुआ है, और इसी क्षेत्र के अंदर विचरण करते हैं बाघ बहादुर, करते हैं शिकार। राजा हमीर जो थे कम उम्र के अंदर ही राजगद्दी पर बैठ गए थे और उसके बाद में उन्होंने अपना राज गुजरात तक फैला लिया था। उनकी इस कीर्ति से जलकर उस समय जो दिल्ली का सुल्तान हुआ करता था जलालुद्दीन खिलजी, उसने यहाँ पर 3 बार आक्रमण किया था और 3 बार मुंह की खाई थी। जलालुद्दीन खिलजी मारा जाता है अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी के हाथों, और उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था यहाँ पर रणथंभौर दुर्ग पर। क्या था उसका कारण वो भी आपको बताता हूँ। अलाउद्दीन खिलजी के ही एक सेनापति थे सरदार मोहम्मद शाह, तो उनका संबंध था अलाउद्दीन खिलजी की ही एक बेगम के साथ में। अलाउद्दीन खिलजी को मोहम्मद शाह से चिमना बेगम के रिलेशन के बारे में पता चल जाता है और वो उसको डलवा देता है, जेल के अंदर दे देता है फांसी की सजा। मोहम्मद शाह प्रयास करता है और जेल से भाग निकलता है किसी तरीके से अपनी जान बचाने के लिए। उसके बाद में वह अनेक राजाओं के पास में, अनेक राज्यों के पास जाता है शरण लेने के लिए, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के डर से कोई उसे शरण नहीं देता है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने उसके भागने पे घोषणा करवा दी थी कि जो भी इसको शरण देगा वो मेरा दुश्मन होगा और उसे मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तो कहा जाता है कि बाद में मोहम्मद शाह भागते हुए आ जाता है राजा हमीर के पास में और शरण लेता है उनके पास में, क्योंकि राजा हमीर ने शपथ ली हुई थी कि मैं शरणागत की रक्षा करूंगा, तो वो उस मोहम्मद शाह को देते हैं शरण। इससे आगे की बात मैं बताऊंगा आपको थोड़ा आगे। इस स्थान पर जहां मैं पहुंच गया हूं, यहां पीछे दिखाई दे रहा है बादल महल की तरफ जाने का प्रवेश द्वार, और बादल द्वार से पहले ही यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है यहाँ का कब्रगाह, जहाँ पर यहाँ जो मुस्लिम सेनापति थे जो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे उनकी सबकी कब्रें यहाँ बनी हुई है। ये देखिए सामने है बादल महल का प्रवेश द्वार और यहाँ पे है ये दरगाह जिसका निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। कब्रगाह के बिल्कुल पास में आप यहाँ ये देख सकते हैं तालाब जो कहलाता था रानी तालाब, क्योंकि यहाँ पे होता था रानियों का स्विमिंग पूल। वो जो खंडर देख रहे हैं वो होता था रानियों का चेंजिंग रूम, और इस किले में मौजूद 5 जलाशय हैं उनमें से यह एक है। तो ये है रणथंभौर किले का बादल महल, और बादल महल ये इसलिए कहलाता था क्योंकि राजा हमीर जो थे उनके प्रिय घोड़े का नाम था बादल और उसका अस्तबल होता था यहीं पर। उसके अलावा यहाँ पे शाही नाच जो हुआ करता था वह भी इसी जोन में हुआ करता था। कहाँ होता था चल के देखते हैं। ये देख रहे हैं आप दीवारों को कैसे खराब कर दिया गया है, देख रहे हैं आप। सबसे बड़ी समस्या है हम भारतीयों के अंदर कि हम हमारी धरोहर को बिल्कुल संभाल के नहीं रखते हैं। इसे काला पीला करके हमें क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा करने से बाज नहीं आते हैं। मेरे सामने कोई करता दिख जाए तो मैं तो अच्छा खासा उसको लगा ही। आइए। बादल नीचे वाले कमरों में नहीं रहता था, बादल रहता था ऊपर वाले कमरों के अंदर। कितना खास कमरा है ये। बादल यहाँ ऊपर जाता था इस रैंप की मदद से। ये देखिए यहाँ पे ताला लगा हुआ है, और इस कमरे के पास में ही यहाँ पे आप ये जो देख रहे हैं यहाँ पे पीता था पानी बादल। तो अब चल के देखते हैं वह स्थान जहां पे होता था शाही लोगों के लिए, राजसी लोगों के लिए नाच। ये देखिए डांसिंग जोन के लिए हमें इस तरफ जाना होगा। ये देखिए हम पहुंच गए हैं। यह है वो स्थान है जहां पे विराजते थे राजा जी अपने खास लोगों के साथ में और देखा करते थे उस समय नर्तकियों का नृत्य। ये देखिए जो भी इसके ऊपर कलाकारी होती थी वो गायब हो चुकी है, सारे रंग जो है वो गायब हो चुके हैं, इवन प्लास्टर भी जो है वो उखड़ चुका है बहुत सारी जगह से। लेकिन इसको देख के आप अंदाजा तो लगा सकते हैं कि पहले कितना यह वैभवशाली था। और ये जो है छोटे छोटे दीवार के अंदर, इन्हें आले कहा जाता है, इनमें रोशनी के लिए दीपक रखे जाते थे। और इस हिस्से के अंदर देखिए आप, ये जो आप देख रहे हैं कमरा, यह होता था चेंजिंग रूम, जो डांसर्स हुआ करती थी इसी के अंदर वो तैयार होती थी। और इस तरफ भी देख सकते हैं आप एक और है चेंजिंग रूम। अब यहां से चलते हैं हम सीढ़ियों से ऊपर और आपको दिखाता हूं मैं रणथंभौर नेशनल पार्क का VIP जोन, जोन 3। सीढ़ियां जो है एकदम पतली पतली हैं, थोड़ा ध्यान से आना होगा। एक टाइम पे एक व्यक्ति ही ऊपर जा सकता है, इतना पतला रास्ता है। यह सुरक्षा की दृष्टि से ही होता था ऐसा। आ गए हैं हम छत पर।
और यहाँ से देखिए अब शानदार नज़ारा रणथंभौर नेशनल पार्क के वीआईपी जोन का। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं यह कहलाता है पद्म तालाब, और यहाँ से हम देख सकते हैं दूसरा तालाब भी जो कहलाता है राजबाग तालाब, जिसे पूल ऑफ लेडी भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है वो भी आपको बताता हूँ। रणथंभौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट नेम है वो है बाघिन मछली। जी हाँ, जो टाइग्रेस मछली है उसका यह जोन हुआ करता था। और वो जो दूसरा तालाब देख रहे हैं वहाँ पे मछली ने किया था एक खास शिकार, जिसके लिए वो हो गई थी काफ़ी प्रसिद्ध। जी हाँ, उसने वहाँ पे शिकार किया था एक मगरमच्छ का। और मछली वह इसलिए कहलाती थी बाघिन क्योंकि उसके सिर के ऊपर एक मछली का निशान बना हुआ था, तो इसलिए उसका नाम हो गया था मछली। और मछली का सबसे ज़्यादा सालों तक जिंदा रहने का रिकॉर्ड भी है इस नेशनल पार्क के अंदर, 19 साल तक वह जिंदा रही थी। आम तौर पर जो बाघ होता है उसका जीवन काल 11-12 वर्ष का होता है, लेकिन मछली जो है पूरे 19 साल तक जी थी। यहाँ से अब आप देख सकते हैं जोगी महल भी, वह जो लाल रंग की इमारत देख रहे हैं वह कहलाती है जोगी महल। 1984 के अंदर जब उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी यहाँ पर आए थे तो इस एरिया के अंदर कोई होटल नहीं हुआ करता था, तो इस वजह से यहाँ पर उनको ठहराया गया था इस जोगी महल के अंदर। और तब से यह जोगी महल वीआईपी गेस्ट हाउस बन गया है, खास हस्तियाँ जो होती हैं वो आके इसके अंदर रुका करती हैं। कहा जाता है कि यहाँ पे राजा के जो गुरु थे वो रहा करते थे, जोगी थे वो योगी थे, इसीलिए उनके नाम पे यह जोगी महल कहलाता है। देख सकते हैं यह चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है, लगभग 84 पहाड़ियाँ जो है वो इसे घेर लेती हैं, एक सुरक्षा कवच प्रदान करती हैं। आ गए हम बादल महल से बाहर और अब जा रहे हैं इस रास्ते पर आगे। अब हम बढ़ रहे हैं हमीर की कचहरी की तरफ। अब आ गई है पतली सी पगडंडी, ये देखिए झाड़ियों के बीच से जा रहा है यह रास्ता। अलाउद्दीन खिलजी 1296 के अंदर रणथंभौर आ पहुंचता है आक्रमण करने के लिए और डाल देता है इस किले के चारों तरफ डेरा। जिस स्थान पर उसने डेरा डाला था आज वह कहलाता है गाँव खिलजीपुर, तो वहां से उसने यहां पर डाला था सबसे लंबे समय तक का घेरा एक दुर्ग के चारों ओर। अलाउद्दीन खिलजी ने पहले यहां पे संदेश भिजवाया कि जो मोहम्मद शाह है उसे मेरे पास सौंप दिया जाए, लेकिन राजा हमीर ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने शरणागत की रक्षा का वचन लिया हुआ है, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगा। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी चलता है चाल, वह राजा को मित्रता के बहाने बुलाता है, तो राजा हमीर स्वयं न जाकर तीन सेनापति रणमल महावत, रंतीपाल और सामंत भोजराज, इन तीनों को भेज देते हैं अलाउद्दीन खिलजी के पास में। अलाउद्दीन खिलजी उनको देता है लालच, मिला लेता है अपने साथ में, और उसके बाद में वो तीनों गद्दार देते हैं उसका साथ, वो करते हैं उसकी सहायता क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की जो रसद सामग्री है वो खत्म हो जाती है। वो तीनों गद्दार यहाँ के गुप्त रास्तों से रसद पहुँचाते हैं अलाउद्दीन खिलजी तक, करते हैं उसकी सहायता। तो ऐसे धोखे की वजह से ही इस दुर्ग पर अधिकार हो पाया था अलाउद्दीन खिलजी का, अदरवाइज इसे कोई जीत नहीं पाया था। चलिए अब इस पथरीली डगर से आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं आप जंगल का पूरा मजा मिलता है आपको यहाँ पर। ये जो आप देख रहे हैं बिल्डिंग्स बनी हुई, जो किले के अंदर बाकी के लोग रहा करते थे यह उनके निवास स्थान है, और इनके पीछे की तरफ ही है हमीर कचहरी। लीजिए आप पहुंचे हैं हम इन पुरानी बिल्डिंग्स तक, और इनको पार करके हम जाएंगे आगे। ये जो आप देख रहे हैं लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई यह बिल्डिंग कहलाती है हमीर कचहरी। जैसा कि नाम से जाहिर है यहाँ पे राजा हमीर की कचहरी हुआ करती थी, यहाँ पे वो करते थे न्याय। ऐसी है यह हमीर कचहरी, अंदर का हिस्सा ऐसा है। यहाँ लगती थी राजा हमीर की कचहरी। हमीर कचहरी के बाद में अब आपको लेके चलता हूँ रणथंभौर दुर्ग के दिल्ली गेट तक, जहाँ पे विराजित है हनुमान जी, तो चलिए चलते हैं वहाँ पर। बस हम पहुँचने ही वाले हैं दिल्ली गेट तक, अब हमें जाना होगा थोड़ा सा इस ढलान से नीचे उतरकर। तो अब कीजिए दर्शन रणथंभौर किले के दिल्ली गेट वाले हनुमान जी के, शनिवार का दिन है आज। जय बजरंग बली। और बजरंग बली के बिल्कुल पास में ही आप इस तरफ देख सकते हैं दिल्ली दरवाजे को, दिल्ली की दिशा में बना हुआ है यह दरवाजा, इसलिए कहलाता है दिल्ली गेट। ये है रणथंभौर किले की सुरक्षा दीवार।
और इस तरफ ये जो स्थान है यह है माता जी का स्थान है। जय माता दी। दिल्ली गेट देख के हम इस रास्ते से आए हैं, तो अब ये रास्ता मिल गया है फिर से उसी रास्ते पर जो जाता है गणेश जी के मंदिर की तरफ। तो अब जो आप सामने देख रहे हैं यह स्थान कहलाता है रणथंभौर किले की 32 खंभा छतरी। इन छतरियों का निर्माण करवाया गया था राजा जयत्र सिंह जी के द्वारा, जो थे पिताजी राजा हमीर के। 32 साल तक उन्होंने शासन किया था और उसी शासन का एक प्रतीक है यह 32 खंभा छतरी। छतरी के नीचे ही बना हुआ है गुप्तेश्वर महादेव मंदिर, जहां पे राजा हमीर किया करते थे अपनी गुप्त साधना। और ये है गुप्तेश्वर महादेव मंदिर, देख सकते हैं आप। जय हो भोलेनाथ। शिवलिंग की जो ऊंचाई है टोटल जलरी सहित वह 4 फीट है। ये देखिए, हर हर महादेव। यहां पे है नंदी भगत। आइए चलते हैं बाहर। जय भोलेनाथ। और ये हैं नन्हे विजिटर जो देखने आए हैं 32 खंभा छतरी को। अब बताता हूँ आगे क्या हुआ था। तीनों गद्दार सेनापति लौट आते हैं राजा हमीर के पास में और अलाउद्दीन खिलजी भेजता है युद्ध का संदेश। तो युद्ध के लिए जब राजा जाते हैं तो अपनी रानी से कह के जाते हैं कि अगर हमने विजयश्री को प्राप्त किया तो युद्ध से लौटते हुए आपको दिखाई देगा केसरिया झंडा, केसरिया ध्वजा आपको लहराते हुए दिखाई देगी। अगर हमारी हार हो जाती है तो आप हो जाना जौहर के लिए तैयार और उसके लिए आपको दिखा दिया जाएगा काला झंडा। अलाउद्दीन खिलजी के साथ में राजा हमीर का युद्ध होता है, जिसके अंदर अलाउद्दीन खिलजी घायल हो जाता है, मारा नहीं जाता है। युद्ध में जीत होती है राजा हमीर की। और जब वो विजय जुलूस वापस लौट रहा होता है तो वो जो तीनों गद्दार सेनापति होते हैं वो चलते हैं चाल, वो दिखा देते हैं काला झंडा, जिससे संदेश जाता है रानी के पास में कि राजा हमीर की हार हो गई है और इसलिए वो जौहर के लिए तैयार हो जाती है। ये देखिए 32 खंभा छतरी, 32 स्तंभ है, कलात्मक स्तंभ। बाकी जो रंग है वो मिट चुके हैं। ये है इसका सेंटर पॉइंट। तो ये जो 32 खंभा छतरी है यह एक तरीके से मान लीजिए उस समय होता था दीवाने खास, क्योंकि यहाँ पर राजा जी अपने खास मंत्रियों के साथ में करते थे मीटिंग। और ये तो था राजाओं की मीटिंग का स्थान, वैसे ही एक और स्थान होता था, वो होना था रानियों की मीटिंग का स्थान, लेकिन वो रह गया अधूरा, इसीलिए वह कहलाता है अधूरा स्वप्न। आइए, कुछ समय तक यहाँ पे शासन रहा था राणा सांगा का। तो उस समय उनकी जो रानी थी कर्णावती, उन्होंने भी चाहा था कि मैं भी अपनी मंत्रणा के लिए यहाँ पे एक स्थान बनाऊं, जैसे ये 32 खंभा छतरी है। तो उन्होंने शुरू करवाया था उस स्थान का निर्माण, लेकिन अपने पुत्र के राजतिलक की वजह से उन्हें यहाँ से जाना पड़ा था और उसके बाद में यहाँ पे अधिकार हो गया था मुगलों का, वो वापस नहीं लौट पाई थी। तो वो स्थान रह गया था अधूरा, इसीलिए वह कहलाता है अधूरा स्वप्न। 32 खंभा छतरी से अब हम बढ़ रहे हैं हमीर महल की तरफ, यहाँ का जो मेन राजनिवास होता था उस तरफ। और सामने आप ये जो खाली एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे हुआ करती थी सेना की परेड। आज यहाँ पे ये गार्डन वाला एरिया है, देखिए आप। और वो जो आप देख रहे हैं वो कहलाता है हमीर महल, राजा का निवास। और वो जो दरवाज़ा दिख रहा है वो कहलाता है रानी महल, जहाँ पे किया था रानियों ने जौहर, तो उसे आप जौहर महल भी कह सकते हैं। तो आ पहुंचे हैं हम हमीर महल तक। वैसे आज की डेट के अंदर यह बन चुका है खंडर, वैसे यह हुआ करता था 7 मंजिला। 4 मंजिलें जो है वो भूमिगत है यानी कि अंडरग्राउंड है, जबकि 3 मंजिलें जो है वो जमीन के ऊपर हैं। टूटने फूटने की वजह से अभी सरकार ने इसके अंदर एंट्री को जो है बंद कर रखा है। ये देखिए, बाहर की तरफ कोई प्लास्टर नहीं है, ऊपर देख सकते हैं आप ये झरोखे, और यहाँ पे जाली वाले झरोखे भी हैं। और उस तरफ है प्रवेश द्वार, उसके लिए इस रैंप पर जाना होगा। देखिए कितना पुराना हो चुका है यह दरवाजा, और लिखा हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं नो एंट्री, ज्यादा आगे जाने की परमिशन नहीं है। ये देखिए, ये है हमीर महल, और इस तरफ है रानी महल यानी जौहर महल। तो लीजिए अब देखते हैं रानी महल के अवशेष। लेकिन ये स्थान है विशेष, क्योंकि यह रहा है जौहर स्थली,
दो मंजिला इमारत थी यहाँ पर, और उस तरफ है अमीर महल की पीछे वाली बिल्डिंग। इसी ज़मीन पर हुआ था अग्नि जौहर, पहला अग्नि जौहर रणथंभौर दुर्ग के अंदर। रानी महल का ये है पीछे वाला हिस्सा, ये देखिए इधर भी जंगल ही जंगल है, और इस तरफ भी दिखाई दे रहा है एक तालाब और बहुत सारी बिल्डिंग्स के जो टूटे फूटे अवशेष आप देख सकते हैं। और इस तरफ आप देख सकते हैं ये जो महल की दीवार है उसकी मोटाई कितनी है। रानी महल देखने के बाद में अब मैं बढ़ रहा हूँ सांगी की हवेली की तरफ। क्या है वो स्थान, वहाँ चल के आपको बताता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं टूटा फूटा हिस्सा, यह कहलाता था सांगी की हवेली। इस जगह रहा करती थी रानी की खास सखियां, खास दासियां जो होती हैं वो यहाँ पे निवास करती थी, और यह निवास स्थान कहलाता है सांगी की हवेली। इसका भी अभी पुनर्निर्माण करवाया जा रहा है सरकार के द्वारा ताकि इसको अच्छे से विकसित किया जा सके। फिलहाल किले के अंदर एंट्री के कोई चार्जेज नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से जब अच्छे से डेवलप हो जाएगा तब इसके कुछ चार्जेज रख दिए जाएंगे, और वो होने भी चाहिए। जब तक किला अच्छे से डेवलप नहीं होगा तब तक रास्ते ऐसे ही रहेंगे। सांगी की हवेली से आगे बढ़ते हुए हम आ पहुंचे हैं चिमना भैरू जी के मंदिर तक। ये देखिए ये है भैरव जी का स्थान। जय भैरू बाबा। चलिए चलते हैं आगे। तो भैरू बाबा के दर्शन करके आ गए हैं हम इस स्थान पर। देख रहे हैं आप पूरा एक लंबा चौड़ा गलियारा है, पूरा एक कॉरिडोर टाइप में है, और इस तरफ का नजारा भी देखिए आप। देख रहे हैं राजाओं के समय में यह स्थान कहलाता था जौहरी बाजार, जैसा कि आपने भूतों का भानगढ़ में भी देखा था जौहरी बाजार है। कुछ कुछ उसकी याद इसने मुझे दिला दी है, क्योंकि यहाँ पर भी जो दुकानें हुआ करती थी वो आज टूट फूट चुकी हैं, उनकी भी छतें गायब है। भूतों का भानगढ़ में भी ऐसे ही एक लंबा गलियारा था पूरा का पूरा। ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं इस तरफ है लक्ष्मी नारायण मंदिर। तो ये देखिए ये है रणथंभौर किले का श्री लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। जय हो प्रभु। तो लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर के राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं यह है दिगंबर जैन मंदिर, जिसका निर्माण करवाया गया था महाराज से खास मांग करके जैन व्यापारी वर्ग द्वारा। रेड सैंड स्टोन से बना हुआ है यह दिगंबर जैन मंदिर। और ये जो टूटी फूटी जगह आप देख रहे हैं यहाँ पे उस समय हुआ करती थी दुकानें। ये है प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर, सर्वार्थ सिद्धि अतिशय क्षेत्र। तो ये देखिए ऊपर का मंडप ऐसा है। यहां विराजित है तीन मूर्तियां। सामने जो आप प्रतिमा देख रहे हैं यह संभवनाथ भगवान की 2065 साल पुरानी प्रतिमा है। यहां पे दो अन्य प्रतिमाएं भी होती थी जो चोरी हो गई थी। इस तरफ जो है ये नेमिनाथ जी की प्रतिमा है जो नई बनवाई गई है लेफ्ट हैंड साइड में। और ये जो प्राचीन प्रतिमा आप देख रहे हैं यह सुमतीनाथ भगवान की प्राचीन प्रतिमा है। अब मैं आपको लेके चलता हूं सिद्ध पीठ काली माँ के दर्शन करवाने, और उसके लिए हमें जाना होगा ये देखिए इसी रास्ते पर। लीजिए आ गए हम फिर से पक्के रास्ते पर, और सामने आप देखिए सिद्ध पीठ माँ काली का मंदिर। सामने विराजित है माँ काली, ये देखिए आप। जय हो माँ काली। तो कितने साल पुराना है ये मंदिर? ये तो प्राचीन टाइम का है सर, राजाओं के समय का। राजाओं से भी पहले का, ऋषि मुनियों के टाइम का, 5-6 हजार वर्ष पुरानी मूर्ति है। ये देखिए माँ काली की जो प्रतिमा है ये साइड में देखते हुए है, पूर्व मुखी, सीधे सामने देखते हुए नहीं है। ये पूर्व में मुखन का और पश्चिम में निवास है। माँ काली के ठीक सामने विराजित है भैरव जी जो हमेशा होते हैं माता के साथ में। ये देखिए भैरव जी का स्थान है ये। अब चलते हैं हम इस तरफ। सामने की तरफ जो आपको मंदिर दिखाई दे रहा है वो हनुमान जी और उनके सुपुत्र मकर ध्वज जी का मंदिर है उस तरफ। चलते हैं वहां पर, पाताल देवी का मंदिर भी है इस तरफ। चलिए आपको दिखाता हूं इस किले का एक और जलाशय जिसका नाम है प्रिंसेस स्विमिंग पूल, राजकुमारी का तालाब। तो ये जो जलाशय है यह रणथंभौर दुर्ग का प्रिंसेस स्विमिंग पूल कहलाता है, राजकुमारी का तालाब। यह स्थान भी विशेष स्थान है क्योंकि यहाँ पर जो राजकुमारी
देवल दे थी उन्होंने किया था जल जौहर, पहला जल जौहर अपनी माता के द्वारा उन्होंने अग्नि जौहर करने के बाद में जल जौहर इसलिए किया क्योंकि वो थी अनमैरिड और कुमारी जो लड़कियां थी उनको अग्नि जौहर की परमिशन नहीं थी, वैसा करना पाप माना जाता था, इसलिए उन्होंने यहाँ पर जल जौहर किया था। इस प्रिंसेस स्विमिंग पूल के जस्ट पास में ही है हनुमान जी और उनके सुपुत्र मकर ध्वज का ये मंदिर। जय बजरंगबली, जय हो मकर ध्वज जी की। अब दर्शन करते हैं पाताल देवी के मंदिर के। ये देखिए नीचे है यहाँ पर पाताली देवी का मंदिर, लेकिन हिंदी के अंदर देखिए पालाती देवी लिखा गया है, गलत कर दिया गया, इसे सुधारना चाहिए। और पाताली देवी मंदिर के लिए हमें जाना होगा नीचे की तरफ, ये सीढ़ियाँ उतर के हनुमान जी के मंदिर के नीचे ही है यह। ये देखिए जय माता दी। वहाँ पाताली देवी और हनुमान जी मकर ध्वज जी के दर्शन करके इस तरफ ये रास्ता ले जाता आपको गणेश मंदिर तक, लेकिन हम जाएंगे बाद में वहाँ पर। पहले जा रहे हैं हम सतपोल गेट तक जो कि सनसेट पॉइंट हुआ करता है, और उसके लिए इस ढलान से उतरना होगा ध्यान से। सामने आप देख रहे हैं यह सुरक्षा दीवार ही है रणथंभौर दुर्ग की, और ये वाला जो हिस्सा है यह कहलाता है सामंतों की हवेली, सामंतों का निवास हुआ करता था ये, आज टूट फूट चुका है ये। ये देखिए अब चलते हैं हम सतपोल द्वार की तरफ। तो ये द्वार है सतपोल द्वार, पश्चिमी दिशा का द्वार, जहां से आप देख सकते हैं सनसेट का नजारा। फिलहाल सनसेट का टाइम नहीं है, लेकिन यह जो किले की जो बाउंड्री वॉल है उस पे बना हुआ द्वार है, यानी कि इस द्वार को करके पार हम पहुंच जाएंगे इस किले से बाहर। और फिलहाल हम जाने वाले हैं अभी किले से बाहर, क्योंकि मैं दिखाने वाला हूं आपको एक खास शिव मंदिर जिसका संबंध है राजा हम्मीर से, प्रतापी राजा हम्मीर से। आइए मेरे साथ। कुछ रास्ते गुप्त रास्ते हुआ करते थे, क्योंकि जब अलाउद्दीन खिलजी के साथ में युद्ध हो रहा था तो उस समय जब यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने घेरा डाल दिया था, सबसे लंबे समय तक का जो घेरा डाला गया था उसके द्वारा, तब राजा हम्मीर ने यहाँ पर एक यज्ञ किया था और उसको संपन्न करवाने के लिए जो पंडित थे, जो विद्वान थे, उनको यहाँ पर बुलाया गया था गुप्त रास्ते से। जी हाँ, वैसे तो घेरा डाला गया था लेकिन गुप्त रास्ते से पहुंचे थे यहाँ पर वो विद्वान लोग, पंडित लोग, जिन्होंने संपन्न करवाया था राजा हम्मीर का वो यज्ञ। यहाँ पे एक और गेट है, सेफ्टी के लिए इसे भी बनाया गया था। ये एक और दरवाजा है यहाँ पर सतपोल द्वार के बाद में, ये दो द्वार जो हैं सुरक्षा के लिए बनाए गए थे ताकि अगर आक्रमण हो तो शत्रु सेना को टाइम लगे आगे पहुंचने में। और ये देखिए यहाँ ये रास्ता लेके जाएगा हमें प्राचीन शिव मंदिर तक। सबसे पहले आप दर्शन कीजिए इस विशेष शिव मंदिर के, फिर मैं आपको बताता हूं इस स्थान का महत्व। जय हो भोलेनाथ, जय हो प्रभु। ये देखिए यहां पे ये जो गौमुख बना हुआ है इससे जल की धारा गिरा करती थी भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए, लेकिन फिलहाल जल धारा नहीं है। तो अब बताता हूं आपको इस स्थान का महत्व।
जब किले के अंदर जीतने के बाद में भी रानियों ने राजा हमीर की जीत को भी हार मान लिया था, तो उसके बाद में राजा हमीर ने सोचा कि अब मैं क्या करूंगा, जब मेरे साथ में मेरा परिवार ही नहीं है तो मैं यहाँ पर राज करके क्या करूंगा। यह निर्णय करके जब राजा हमीर सतपोल द्वार से बाहर निकल पड़ते हैं तो रास्ते में आता है यहाँ पर ये शिव मंदिर, और यहाँ पर उनके मन में विचार आता है कि मैं शिव जी की आराधना करूं, लेकिन यहाँ पर न तो जल होता है न पुष्प होता है। तब राजा हमीर के मन के अंदर आता है और अपनी तलवार निकालकर अपना सिर भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर देते हैं, लेकिन भगवान शिव फिर से उनका सिर जोड़ देते हैं। राजा हमीर यह बार बार करते हैं, भगवान शिव को अपना सिर अर्पित करते हैं, लेकिन भगवान शिव उनका सिर जोड़ देते हैं। बाद में जब भगवान शिव राजा हमीर को फिर से जीवित करते हैं तो वो उन्हें कहते हैं कि हे राजन, मैं तुम्हें जीवन दान दे रहा हूं तो तुम क्यों नहीं ले रहे हो। तब राजा हमीर भगवान शिव से कहते हैं कि सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। यानी कि जो शेर है वो एक बार वन में गमन कर लेता है, जो सतपुरुष होते हैं वो एक बार जो वचन कह देते हैं उससे टलते नहीं है, केले का पेड़ जो होता है वो एक बार फल देता है, जो विवाह होता है उस टाइम पे जो तेल चढ़ाया जाता है बहन बेटियों के लिए वो एक बार चढ़ता है, वैसे ही हमीर हट जो है वो एक होती है। तो जब राजा हमीर ने एक बार निर्णय कर लिया भगवान शिव को अपना सिर सौंप देने का, तो वो कहते हैं कि प्रभु अब मैं इस बात से नहीं टल सकता हूं। तो भगवान शिव राजा हमीर को आशीर्वाद देते हैं कि यह जो किला है रणथंभौर दुर्ग है, यह हमेशा से तेरी कीर्ति का साक्षी रहेगा। तेरे से पहले और राजा हुए होंगे या तेरे बाद में और आएंगे, लेकिन यह किला तेरे नाम से ही जाना जाएगा। और भगवान शिव के आशीर्वाद से आज भी अगर हम देखते हैं तो रणथंभौर दुर्ग के साथ में जुड़ा हुआ नाम होता है हठी राजा हमीर का, हमीर हट वाले राजा हमीर का। पहले वाले इतिहास के बारे में हमें इतनी जानकारी नहीं है, न बाद वाले इतिहास के बारे में इतनी जानकारी है। ये जो पीछे की तरफ पहाड़ी देख रहे हैं यह कहलाती थी रण की पहाड़ी, और जहां पर मैं जिस पहाड़ी पर मौजूद हूं यह कहलाती है थंब की पहाड़ी, क्योंकि यह एक स्तंभ के समान है, बिल्कुल सीधी खड़ी पहाड़ी है। ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल सीधी खड़ी पहाड़ी है, और इन दोनों पहाड़ियों के बीच में जो घाटी है उस घाटी को कहा जाता है भोर। तो इस तरीके से यह स्थान बाद में कहलाया रण स्तंभपुर, जो कि बाद में बन गया रणथंभौर, क्योंकि पहले का इसका जो नाम हुआ करता था वह होता था गढ़ रणथंभौर, और अंग्रेजों के समय में उनको बोलने में थोड़ी दिक्कत होती थी तो उन्होंने इसको कर दिया रणथंभौर। जी हाँ, रणथंभौर, डूबना लगान जीना पड़ेगा, उनसे बोला नहीं जाता था। ये देखिए, ये है रण की पहाड़ी, और ये जो घाटी है ये कहलाती है भोर, और इस तरफ आप देखिए ये जो किला है, ये जो पहाड़ी है एकदम स्तंभ के समान बिल्कुल सीधी है। चलिए अब चलते हैं वापस किले के अंदर। ये देख सकते हैं आप, चट्टानों से रिसता हुआ पानी जो 12 महीने ऐसे ही रिसता है, और ये जो चिड़िया है अपनी प्यास बुझा रही है। तो ये जो आप चिड़िया देख रहे हैं यह बाघ बहादुर की, टाइगर महोदय की डेंटिस्ट है, उसके दांतों में जो मांस के टुकड़े फंसे रहते हैं जब वो मुंह खोल के सोते हैं तो यह चिड़िया उसके मुँह से उन टुकड़ों को निकाल देती है। तो देखा आपने इस किले की ऊंची दीवार को, इसी वजह से इसे बख्तरबंद दुर्ग कहा जाता है, और जो अबुल फजल थे उनके शब्दों में कहा जाए तो बाकी सब दुर्ग जो हैं वो नंगे हैं, बख्तरबंद दुर्ग है तो रणथंभौर दुर्ग है। तो शिवजी के दर्शन करके सतपोल द्वार से आ गया हूं मैं यहाँ वापस किले के अंदर, और अब जाते हैं जहां पे है त्रिनेत्रधारी भगवान गणेश जी का मंदिर। ये देखिए आप, ऊपर तक जाने के लिए कितनी पतली पतली ये सीढ़ियां हुआ करती थी विदाउट रेलिंग। और वहां पे बैठे हैं काले मुंह वाले लंगूर श्रीमान जी, वहां से देख रहे हैं। अभी गणेश जी के मंदिर में काफी लंगूर दिखाई देंगे हमें। ये देखिए इस तरफ भी है, तो ये है हनुमान जी का मंदिर, और इसके इस तरफ है अन्नपूर्णा माता का मंदिर, और सामने वाला जो रास्ता है वो गणेश जी के मंदिर तक लेके जाता है। वहाँ विराज रही है माँ अन्नपूर्णा। जय माता दी। गणेश जी के मंदिर से पहले ही आप देख सकते हैं यहाँ पे बैठी है लंगूरों की फौज, कर रही है यहाँ मौज।
हम दोनों भाई आ पहुंचे हैं गणेश जी के प्रसिद्ध मंदिर त्रिनेत्रधारी गणेश जी के मंदिर में, जो है रणथंभौर के किले के अंदर स्थित। और यह मंदिर जो है किले के समान ही अति प्राचीन है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे जो गणेश जी विराज रहे हैं उनके तीसरा नेत्र है माथे पे, उनके पिताजी उनके डैडी भगवान शिव के जैसे माथे पर है तीसरा नेत्र, वैसे ही गणेश जी के यहाँ पे तीसरा नेत्र है जो कि ज्ञान चक्षु कहलाता है। जी हाँ, ज्ञान का प्रतीक है वह तीसरा नेत्र। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे गणेश जी से आप जो भी मनोकामना करते हैं वह पूर्ण होती है। सिद्ध गणेश जी है ये, जो सिद्धि विनायक मंदिर है मुंबई का वह काफी प्रसिद्ध है। तो आप मान लीजिए गणेश जी का हेड ऑफिस ये है और उनकी जो ब्रांच है वो सिद्धि विनायक मंदिर है। तो वहां दर्शन अगर आपने किए हैं तो यहाँ एक बार आके दर्शन करना बनता ही बनता है। तो भैया सही कहा मैंने? तो ये आ गए हैं मिस्टर लंगूर, यहाँ पर देखिए कैसे रिलैक्स कर रहे हैं, सन बात ले रहे हैं। लेकिन आपको इनसे बच के रहना होगा क्योंकि यहाँ मंदिर पर इनकी अच्छी खासी संख्या है, चारों तरफ ये हैं। खाने की चीज पर ये मारते हैं झपट्टा। चलिए अब चलते हैं इस प्रसिद्ध मंदिर के दर्शन करते हैं। जय हो प्रभु। तो ऐसे सजा है भगवान गणेश का दरबार। यहाँ विराजित है त्रिनेत्रधारी हमारे भगवान गणेश जी। स्वयं प्रकट मूर्ति है, पीछे इनके पहाड़ है। पहाड़ में से गणेश जी महाराज मुखारविंद सहित प्रकट हुए हैं। सूंड इनकी लेफ्ट साइड में है, मुखार में सूंड भी है और त्रिनेत्रधारी है जिसकी वजह से जाने जाते हैं। तीसरा नेत्र इनका बुद्धि का कहलाता है जो अपन सबको बुद्धि प्रदान करते हैं। साथ में इनकी दो धर्मपत्नियां विराजमान है रिद्धि सिद्धि और दो पुत्र शुभलाभ। रिद्धि सिद्धि शुभलाभ 1301 ईस्वी में राजा अमीर चौहान के द्वारा स्थापित की गई और साथ में मूर्त भी, ये भी उसी समय के। तो पूरे परिवार सहित यहाँ पे गणेश जी विराजित हैं और उनके प्रिय मूषक राज भी यहाँ पे है। ये देखिए इस गढ़ के निर्माण से भी प्राचीन है यह प्रतिमा, स्वयंभू प्रतिमा है यह, स्वयं प्रकट हुई थी यहाँ पर द्वापर काल की बताई जाती है। और इस तरफ आप देख सकते हैं अखंड ज्योत जलते हुए जो न जाने कितने सालों से जल रही है। भगवान गणेश जी का आशीर्वाद मिल चुका है, पंडित जी ने भगवान पे चढ़ी हुई माला भी दे दी, इसको पाकर मन अति प्रसन्न है। जय हो प्रभु। गणेश जी की महिमा ऐसी है कि पूरे भारतवर्ष से ही नहीं विदेशों से भी लोग जो शादी का पहला कार्ड होता है वह यहाँ भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं ताकि भगवान गणेश उनके वहाँ स्थान पर पहुँच कर उनके उस शुभ कार्य को निर्विघ्न सम्पन्न कराएं। ये देखिए यहाँ बनाए जा रहे हैं भगवान गणेश के प्रिय मोदक। यहाँ गणेश जी के दाल बाटी चूरमे का भी भोग लगाया जाता है। चूरमा आप देख रहे हैं इस तरफ लड्डू के लिए तैयार हो रहा है। ये देखिए मिश्रण, ये है भोजनशाला गणेश जी की। तो आ गया हूँ मैं इस प्रसिद्ध मंदिर की छत पर, देखिए आप ये है मंदिर का शिखर। और अभी आपको दिखाता हूँ बहुत ही प्यारा व्यू यहाँ छत से, ये देखिए आप। ये जो किले की दीवार है इसके बिल्कुल सटा हुआ है यह गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर, यहीं पे विराजित हैं त्रिनेत्रधारी गणेश जी। और देख सकते हैं आप इस सुंदर घाटी के दृश्य को, आगे दूर तक फैली हुई रणथंभौर किले की दीवार। ये जो आपने एरिया अभी देखा है यह रणथंभौर नेशनल पार्क का जोन 2 है जो कि टाइगर की साइटिंग का एक मेन जोन है, उसका एक हिस्सा ही हम अभी यहाँ से देख पा रहे हैं, दूसरा हिस्सा देखने के लिए हमें जाना होगा दूसरी तरफ। तो गणेश जी के दर्शन करने के बाद में अब हम खा रहे हैं दाल बाटी चूरमे का ये प्रसाद जो गणेश जी को बहुत प्रिय है। और बाटी आ चुकी है, दाल आ चुकी है, आने वाला है चूरमा। आ गया है चूरमा प्रसाद भी। फिलहाल समय हो चुका है 1:15, इसीलिए मंदिर के पट हो चुके हैं बंद, क्योंकि 1 से 2 तक मंदिर के जो द्वार हैं वो बंद रहते हैं, भगवान विश्राम करते हैं। तो भगवान को करने देते हैं विश्राम, हम करते हैं हमारा काम और जाते हैं गुप्त गंगा की तरफ, और उसके लिए जाना होगा इस तरफ।
देखिए रास्ता है ऊबड़ खाबड़, इसीलिए आपको रखनी होती है इस पर नज़र, क्योंकि नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो ये देखिए पहाड़ के ऊपर से ही जा रहे हैं हम, और फिलहाल ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये एक सूखा तालाब है, इसके अंदर जल नहीं है। अब चलते हैं गुप्त गंगा की तरफ। तो अब आ गए हैं हम इस खुले एरिया के अंदर, ये देखिए। तो रास्ते में हम चलते चलते आ पहुंचे हैं रणथंभौर किले के चौथे तालाब तक, जो कहलाता है बड़ा सरोवर, देख रहे हैं आप। तो जो पीछे आपने पुरानी सी बिल्डिंग देखी है वह कहलाती है रणथंभौर दुर्ग का जवरा भवरा अन्न भंडार। तो नाम से ही आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो अनाज है वो स्टोर करके रखा जाता था। उस तक जाने से पहले हम दर्शन करेंगे गुप्त गंगा के, और उसके बाद में हम जाएंगे उस अन्न भंडार तक, और उसके बाद में आपको लेके चलूंगा कहाँ, एक और 32 खंभों की छतरी है जहाँ। अब आ गई है यहाँ पे सीढ़ियाँ। तो सामने ये जो स्थान है यह कहलाता है गुप्त गंगा। शूज मैंने उतार दिए हैं, अंदर है अंधेरा और साथ ही जो टनल टाइप का एरिया है तो थोड़ा झुक के जाना होगा, ध्यान रखना होगा। ये देखिए यहाँ पे कलाकारी की गई है, फूल बने हुए हैं, और देख सकते हैं आप ऐसा ये रास्ता है, बहुत संभल के जाना होगा। और यहाँ बिल्कुल अंधेरा है, मोबाइल की रोशनी में ही धीरे धीरे जाएंगे। ऊपर चट्टाने हैं तो सिर का ध्यान रखते हुए ही जाना होगा। तो लीजिए पहुंच गए हम गुप्त गंगा तक। भगवान शिव का अभिषेक करते हुए जल की धारा यहाँ पे हमेशा निकलती रहती है 12 महीने, और हजारों सालों से ऐसा ही है, इसीलिए यह स्थान कहलाता है गुप्त गंगा। लाइट का कोई सोर्स होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपका सिर जो है इनसे टकरा सकता है। गुप्त गंगा से बाहर आके हम यहाँ पहुंचे हैं, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये बोर्ड जो बता रहा है कि इस तरफ है नगरकोट की माता जी। चलिए इस तरफ चलते हैं पहले। तो लीजिए आ गए हैं हम नगरकोट की माता जी के मंदिर तक, जो इस किले की दीवार के ऊपर ही बना हुआ मंदिर है उसमें विराज रही हैं। तो यहाँ विराज रही हैं नगरकोट की माता जी। जय माता दी। तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं जोन 2 का बाकी का एरिया आपको दिखाऊंगा। तो ये देखिए ये है रणथंभौर नेशनल पार्क का जोन 2 वाला एरिया, जहाँ पे बाघ बहादुर के दर्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और बीच में आप देख सकते हैं जो बरसाती पानी होता है उसका नाला यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और दूर तक फैले हुए पहाड़ ही पहाड़, 84 पहाड़ियों से घिरा हुआ है यह रणथंभौर का दुर्ग। चलिए अब चलते हैं अन्न भंडार की तरफ। नगरकोट वाली माता जी के दर्शन करके हम आ गए हैं वापस, और ये रास्ता लेके जाएगा भूतेश्वर महादेव की तरफ। और सामने दिख रही है वो इमारत, वो होती थी अन्न भंडार। पहुंच गए हैं हम अन्न भंडार के अंदर, और ये टूट फूट चुका है। इस तरफ का रैंप लेके जाता है छत पर, और ये वाला रैंप हमें लेके जाएगा वहां उस छत पर। लेकिन उससे पहले आप देखिए ये चारों तरफ का व्यू, एक छतरी बनी हुई है और इस तरफ है खाली जगह, टूट फूट चुका है यह एरिया। चलिए चलते हैं रैंप से ऊपर और देखते हैं यहाँ से कैसा दिखता है व्यू। लीजिए आ गए हैं हम अन्न भंडार की छत पर, और ये देखिए आप, उधर पीछे की तरफ है गणेश जी का मंदिर जहां से हम आए हैं, दिखाई नहीं दे रहा है फिलहाल। और ये देखिए उस तरफ दिखाई दे रही है एक और 32 खंभों की छतरी, जिसका निर्माण करवाया था हठी राजा हमीर ने। अन्न भंडार पर ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये क्या है, बेसिकली ये अभी तो कवर हो चुका है, लेकिन पुराने समय में यहाँ पे होता था एक छेद, और यहाँ से चीज लटकाकर पता किया जाता था कि इसके अंदर कितना अनाज है। तो ये देख चुके हैं,
अब दिखाता हूँ आपको 32 खंभों की छतरी जिसका मैंने किया था प्रॉमिस। ये दूसरी वाली छतरी है जिसका भी निर्माण करवाया था राजा हमीर ने, देख रहे हैं आप। लीजिए, आ पहुंचा हूं 32 खंभों की इस दूसरी छतरी तक। पहले वाली जो 32 खंभों की छतरी थी उसके अंदर गुप्तेश्वर महादेव थे, उस छतरी के नीचे वाले भाग के अंदर, और यहां पर भूतेश्वर महादेव स्थित हैं बिल्कुल इसके मध्य भाग के अंदर। जय हो भूतेश्वर महादेव की। और ये देखिए जो मंडप है वो कितना सुंदर बना हुआ है, देख सकते हैं आप कितनी बढ़िया कलाकारी की गई है इस रेड सैंडस्टोन के ऊपर। ये हैं इसके कलात्मक 32 खंभे। इस तरफ आप देख सकते हैं रणथंभौर किले का ये जो पांचवा तालाब है वो यहीं पर है, दिखाई दे रहा है नीचे, आप देख सकते हैं काई वाला हरा हरा पानी। रणथंभौर का मेन अट्रैक्शन होता है रणथंभौर का यह किला, और साथ ही यहाँ पर जो होती है रणथंभौर नेशनल पार्क में टाइगर सफारी, वो तो सफारी जो होती है वह बारिश के महीनों में बंद हो जाती है, बाकी किला जो है 12 महीने खुला रहता है। इस बात का आप ध्यान रखें कि गर्मियों के महीने में आप आने से बचें, अदरवाइज आपको गर्मी झुलसा देगी, सर्दियों के अंदर आपको प्लीजेंट फीलिंग आएगी। तो इसी के साथ समाप्त होता है रणथंभौर दुर्ग का ये ब्लॉग, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। जाते जाते आपसे बस इतना ही है कहना कि यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।